हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाटा मोटर्स में क्या करें, रिलायंस में क्या होगा और मारुति में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या पोजिशन बना सकते हैं हम लोग, अभी हम वो देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद टाटा मोटर्स। ओके, से टाटा मोटर्स में ट्रिपल टॉप बन चुका है। फर्स्ट टॉप इज हियर अराउंड 3rd March 2021, देन ट्रिपल क्या फोर टॉप्स बोल सकते हैं हम लोग, देन एक और 9 जून को, देन दिस वन इज 15 जून को, देन यहाँ पे जो सीवियर फॉल आया था 10% का लोअर सर्किट के अराउंड, दैट इज 6 जून को अभी रिसेंट में जो लगा। ओके, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा था, पहले यहाँ पोजीशंस बन रही थी कि ये नाइस राउंडिंग बॉटम, देन दिस कप अगर ब्रेकआउट आता तो ये अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। नाउ द पोजीशंस दैट कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके, लाइक व्हाट वी हैव सीन इन डॉक्टर रेड्डीज पिछले वीडियो में, वैसे ही देखिए कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन को बीच करके अच्छा खासा एक बेरिश कैंडल बना, एक नेक्स्ट कैंडल हॉल्ट कैंडल बना, फिर जूम आउट, नेक्स्ट कैंडल एक हॉल्ट कैंडल बना, ऑलमोस्ट पिन बार टाइप का, बट उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अदरवाइज का हाई ब्रेक होता तो अच्छा खासा रैली आ सकता था, बट कहीं ना कहीं वो लो ब्रीच होके साइडवेज हो गया। अब जो ये नेक्स्ट कैंडल था इसके हाई, इट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ। दिस सी दिस स्मॉल स्मॉल कैंडल, स्मॉल रेंज में काम हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रखे हैं, कर रहे हैं क्या, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। See, we shouldn't be emotionally attached to any stock. हमें दिख रहा है कि एक बियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक बियर फ्लैग बन रहा है, ये पोल था, ये फ्लैग पार्ट बना, ये ब्रीच हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दैट इज अराउंड 280, 285, 282, जो भी बोलो, मोर प्रिसाइसली 285 से 280 के बीच में एक सपोर्ट जोन है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, दिस वन ट्वाइस थ्राइस और नियर बाय यहाँ पे। ठीक है, 4 बार टच हो चुका है और फोर्थ टाइम ये आज आया है ऑलमोस्ट। अभी कल का लेवल देखते हैं, कल थोड़ा बहुत ब्रीच होके इस लेवल से बाउंस करता है तो अच्छा चांसेस है कि वापस ये 300 के आसपास जाए। सी दिस लेवल 300 का जो लेवल है, 305, ये अब हमारे लिए इमीडिएट थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है शायद। क्यों? क्योंकि एक राउंड फिगर नंबर है और राउंड फिगर नंबर पर इन जनरल ओआई पार्ट बिल्डअप हो जाता है। अभी मंथली एक्सपायरी भी है तो वी विल सी कि कैसा अगर सीरीज में पोजीशंस बनती हैं, बट एज ऑफ नाउ एक बियर फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन आ चुका है जिसका टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 60 पॉइंट्स ऑफ 255-260 ये आना चाहिए। अगर ये बियर फ्लैग ब्रेकडाउन है तो इसका लेवल, ये टारगेट हमारा 255-260 आना चाहिए, सपोर्ट होल्ड नहीं करना चाहिए अगर एक्चुअली बियर फ्लैग है तो हम उससे आपसे नेक्स्ट अपना पोजीशंस बनाएंगे। पहले हम देखते हैं कल का क्या पोजीशन बनता है और कल कैसे होता है। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस। रिलायंस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक अच्छा खासा बियर फ्लैग बना, एक फ्लैग अच्छा खासा पोल बना, फ्लैग बना, साइडवेज गया मार्केट, ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड समवेयर दिस लेवल 2000 के आसपास, एक नॉर्मल पुल बैक आएगा, आने के चांसेस है। आके नेक्स्ट फाइनल सपोर्ट विल बी अराउंड 1962-1900 का लेवल। ये एक जोन है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक जोन है जहां पे अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। दिस 1900-1960 का लेवल एक जोन है जहां पे अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो अभी डाउनसाइड के लेवल्स रिलायंस में भी ओपन हो रहे हैं। अगर रिलायंस में डाउनसाइड जाएगा, साइडवेज होकर थोड़ा डाउनसाइड आने के चांसेस है, इसका लो ब्रीच होता है तो, क्योंकि कई बार हमने देखा है फेक ब्रेकडाउन होके फिर ऊपर चला जाता है, तो ये भी वी हैव टू वेट फॉर ब्रीच ऑफ दिस लो, तो अच्छा खासा ही हमें लेवल मिल सकता है, टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज मारुति। मारुति में सी एक ब्रॉडर देखा जाए तो समहाउ एक लेफ्ट शोल्डर हेड देन राइट शोल्डर ऐसा कुछ फॉर्मेशन बन रहा है। प्रीवियस हमने देखा कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर अगेन फॉल, नाउ अगेन एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रीच होता है, दैट लेवल इज अराउंड 7150-7100 का लेवल है, ब्रीच होता है तो वी कैन सी दिस फर्स्ट टारगेट विल बी 6800 अराउंड और नेक्स्ट टारगेट विल बी 6500। बट सब कुछ डिपेंड करता है कि वो 7100 और ब्रॉडली बोले तो राउंड फिगर नंबर 7150 है, तो राउंड फिगर नंबर 7100 रखें। अगर ब्रीच होता है तो डाउन सेट लेवल्स ओपन अप हो जा रहे हैं। दिस इज द वीडियो। Hope you like our channel. Kindly subscribe, like, share and comment. Thank you very much.